तो आज मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। यार ये क्या होगा मेरा भैया, कैसे सड़क पार करत हो? अरे मैडम है तो भैया। तो भैया रावण की लंका में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे भैया हमको यहाँ से काम उड़ने का है, राइट। आप इसमें तो यार इंट्रो देना बहुत ही खतरनाक है। तो और बताइए जनाब, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और अपना तो खैर छोड़ो, क्या हाल बताऊँ मैं तुम्हें अपना। तो भैया हाल थोड़ा बेहाल है अपना। तो जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाला मिशन देखा है, मतलब संडे राइड वाला, सेम वही दिन था। अच्छा भला राइड करके आया था घर पे। मेरा सही बताऊँ ना, कल का जो दिन था ना, बोले तो संडे, वो बहुत ही बकवास दिन था। वो मेरा जो इंस्टा 360 वाला कैमरा है वो फिर से गिर गया था। उसके लेंस में इतना बड़ा स्क्रैच आ गया, वो हमारा एक नुकसान हुआ। अरे भैया कैसे सड़क पार करत हो? अरे मैडम है तो भैया। जरा हम ट्रैफिक से निकल जाए तब आपसे बतियाते हैं कि क्या हुआ था। तो आज मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। यार ये क्या होगा मेरा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल हम संडे मॉर्निंग राइड से जब मैं घर आया, मैंने सोचा था कि अपने वाइफ को और अपनी बहन को, दोनों को स्कूटी चलाना सिखा दूंगा। सैटरडे का दिन था, उस दिन तो बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग चला रहे थे। आप लोगों को क्लिप दिखा देता हूँ कि हम कैसे कैसे चला रहे थे उस दिन। मीनू तेरी जिंदगी आज विशाखा के हाथ में है। अरे कुछ नहीं होगा, चल चल। बंद कर दो अभी। चलो ना। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever। भाभी को पकड़ लेना, ये आधा हवा में है भाभी। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि कितने बढ़िया तरीके से ये लोग स्कूटी चला रहे थे। तो भैया अभी तक इसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई और इसका क्या हाल हो गया। तो देख रहे हो कितना बुरा हाल हो गया इसका। तो आप लोगों को देखो, जब वो मोड़ रही थी, मैं बताता हूँ, ऐसे करके मोड़ रही थी। अभी दिखाते हैं आपको। जैसे मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, वो मोड़ रही है, ऐसे ऐसे मोड़ रही थी, ऐसे 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 आराम से जा रही थी। अचानक से अरे मैंने कहा रुक रुक रुक, ऐसे पत्थर पड़े थे और ब्रेक मारी और हम इस साइड बसड़ गए। और बसड़ने के बाद ये सारा सीन हुआ। ये डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, ये भी डैमेज हो गया। अच्छा हुआ हमें नहीं लगी, मेरे हाथ में थोड़ी सी लगी थी, जो कि अभी हमने बैंडेज बांध ली है। बहन के घुटने में लग गई थी बस, उसका अच्छा हुआ हेलमेट पहना हुआ था तो उसकी ठुड्डी बच गई, मतलब उसका चिन बच गया। देखना लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। एक बंदा आया, ऐसे जा रहा है, जैसे हमारी स्कूटी यहाँ पर गिरी पड़ी है, हम दोनों गिर गए, मतलब मैं उठ रहा था, मीनू भी उठ रही थी, और वो आया, अरे आराम से चलाओ, ऐसे करता हुआ चल गया। स्कूटी गिरी पड़ी है, हम बसड़े हुए हैं, वो कह रहा अरे आराम से चलाओ। मैंने कहा अरे भैया चले जाओ वरना तुम्हें पेल देंगे। आप में से बहुत सारे बोलोगे कि भैया जब स्कूटी ली थी तो आपको ग्रिल लगानी चाहिए थी। मैं मानता हूँ आपकी बात, बट मैंने कंपनी से नहीं लगाई थी, मैंने उनसे ये सब मांग लिया था तो उन्होंने ये दे दिया था। इसके पैसे ले रहे थे तो मैंने कहा यार करोल बाग में भी 700-800 रुपये में वही सेम मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने पूरा यही प्लान कर रखा था कि संडे को राइड से आने के बाद, इनको सिखाने के बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा करोल बाग, वहाँ से इसमें लगानी थी ग्रिल। खैर अब क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो होके रहता है। फिलहाल के लिए हम निकलते हैं भैया सर्विस सेंटर। ठीक एक हफ्ते पहले आज ही के दिन ये शोरूम से निकली थी और आज ये जा रही है इसके सर्विस सेंटर। ये ना स्कूटी गिर गई तो ये पड़ गया ये सब। तो क्या कैश में कराना है या क्लेम लेना है? ये अगर मैं कैश में ले तो कितने का पड़ जाएगा सब? 3। और ये भी है, बस ये इसी साइड गिरी है। कम से कम ही आएगा, प्लस आपका टैक्स आएगा। अच्छा, और इंश्योरेंस क्लेम में? इंश्योरेंस क्लेम में आप दोगे तो एक हफ्ता गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। आरसी तो आई नहीं है अब इसकी, तो अभी नहीं हो पाएगा क्लेम। और ये भी नहीं है नंबर भी, तो अभी तो नंबर नहीं मिला। नहीं पता नहीं अब आया नहीं आया, पता नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, मतलब आरसी के बाद ही होता है। फिर क्या करूँ? अब देख लो क्या बोलोगे, कैश में काम कराओ तो। वो भाई कहाँ है वो HDFC वाला? HDFC वाले भैया कहाँ है? ना जैसे अगर आरसी नहीं है तो कैसे क्लेम लोगे बताओ? फिर भी कुछ तो होगा बताओ। ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है ना, 4500 रुपये तो। हाँ एक बार बुला ही लो। A few moments later। हाँ तो भैया मिल गया हमें हमारा स्कूटी का नंबर। पर क्या फायदा हुआ नंबर लेने का? हमारी स्कूटी जो है वो तो क्या बताया आप लोगों को, मतलब बता चुके हैं, बट चलो क्या बताएं। जहाँ पर मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था उसके बाद ये सीन हुआ कि उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, शोरूम में पता कर लो कि आपका टेम्परेरी आरसी मतलब कि ये नंबर प्लेट आई है कि नहीं आई है। तो मैं शोरूम गया, शोरूम वालों ने बोला अरे सर हम आपको कल फ़ोन कर करके थक गए, मतलब मुझे नहीं मेरे पापा को, कि ये जो स्कूटी हो मेरे पापा के नाम पे है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने कैंटीन से ली थी तो इसलिए पापा के नाम पे है। तो पापा तो फ़ोन नहीं उठाया पापा ने तो उन्होंने बोला कि सर चलो कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को ये नंबर प्लेट दे दी तो उन्होंने बता दिया सर एक पैन कार्ड लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, एक जो चला रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस फॉर्म वॉर्म सब कुछ उन्होंने बना के दे दिया था, मतलब एक हफ्ते तक उनके पास रहेगी। एक हफ्ते तो बोलते हैं बट जल्दी हो जाएगा तो 2-3 दिन में भी काम हो सकता है। वो लोग बोल रहे थे अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो 4600 और शाम को मिल जाती, मतलब आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है, आज मैं देता और शाम तक मेरे को मिल जाती। बट थोड़ा महंगा था, काफ़ी ही महंगा था, तो मैंने कहा भैया क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक हफ्ता हमारे घर रही, एक हफ्ता सर्विस सेंटर में रहेगी, फिर उसके बाद उसकी फिर से सर्विस की बारी आ जाएगी, फिर सर्विस सेंटर में रहेगी, मतलब पूरे टाइम वो अपने मायके में ही रहेगी। वहाँ स्कूटी को रख के घर आया, फॉर्म वॉर्म भरा, साइन वाइन कराए। अब जा रहा हूँ, सबसे पहले लगाऊंगा नंबर प्लेट, क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं था स्कूटी में, मैं घर पर ही रखा हुआ था, नहीं तो मैं वहीं लगा लेता उसी टाइम। फिलहाल मुझे वहाँ पर स्कूटी छोड़ के आनी पड़ेगी एक हफ्ते के लिए, क्या कर सकते हैं भैया बताओ। चलो भैया अलविदा कर लो, हो रही अपनी स्कूटी, वो देखो हो रही, ये रही अपनी स्कूटी। चलो भैया टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक हफ्ते में, एंजॉय।